नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका खाओ दोस्त संजीव सेठ आपके सामने हाजिर हूँ एक मजेदार और स्वादिष्ट रेसिपी लेकर। दोस्तों हमारे देश में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट चटपटा मजेदार खाना कहाँ कहाँ पर मिलता है? अरे रेस्टोरेंट्स तो हैं, ढाबे भी हैं, लेकिन क्या आप भूल गए हमारे शहर की सड़कें, गलियां, मोहल्ले, नुक्कड़, वो छोटे छोटे बांकड़े, वो छोटी छोटी रेड़ियां जहां पर तरह तरह की चीजें बेची जाती हैं और खाई जाती है इतने स्वाद से कि बस अगर आप उस गली से गुजरे ना तो बिना कुछ खाए वहां से निकलेंगे नहीं, क्योंकि खुशबू चारों तरफ फैली होती है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रीट फूड यानी कि हमारे शहर में तो भेलपुरी, सेवपुरी, इडली, डोसा, सांबर, वड़ा पाव, भजिया पाव, मिसल पाव, भुर्जी पाव, पाव ही पाव, खीमा पाव और पाव भाजी, मतलब इतने सारे स्ट्रीट फूड के आइटम्स है ना कि बस जब शाम को भूख लगती है ना तो मन करता है भैया कहीं बाहर जाओ, कुछ चाट वाट खाओ, कुछ गरम गरम भजिया खाओ। बस आपके शहर में भी ऐसी गलियां होंगी और ऐसे कई स्ट्रीट फूड के आइटम्स वहां पर मिलते होंगे। तो जो पॉपुलर स्ट्रीट फूड आइटम्स है ना आपके शहर में, प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइएगा कि आपके शहर की गलियों में सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड कौन सा बिकता है। ठीक है, तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं अपनी रसोई में वो है एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड आइटम। इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी इसे बेचा जाता है और खाया जाता है। ये डिश कौन सी है? पाव भाजी मेरे खाओ दोस्तों। आज बनाएंगे हम अपनी रसोई में आपके लिए चटपटी मजेदार फिंगर लिखी पाव भाजी। पाव नहीं बनाएंगे, पाव रेडीमेड मिल जाएंगे आराम से, आसानी से मिल जाते हैं यहां पर, तो भाजी बनाएंगे। तो भाजी बनाने के लिए देखते हैं उसके करेक्ट इंग्रेडिएंट्स। आइए खाओ दोस्तों। भाजी है यानी कि सब्जियां हैं, तो सब्जियां देख लें पहले। ये है मोटी मोटी कटी हुई गाजर, गोभी और साथ में टमाटर। उसके साथ में हमने लिए यहां पर उबले हुए आलू, बारीक कटा हुआ प्याज, नींबू, ये कुछ गार्लिक के क्लोव्स हैं जो हमने पानी में भिगोकर रखे हैं, इसका पानी हम यूज करेंगे अपनी भाजी में। और ये वो चीज जिसके बिना पाव भाजी बनी नहीं सकती। जी हाँ, मक्खन भरपूर उपयोग कीजिए इसका। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, लहसुन की पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर और इस रेसिपी का हीरो मुख्य किरदार पाव भाजी मसाला, जो आजकल आसानी से सब दुकानों में सब स्टोर्स पर मिल जाता है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और मात्र भर पानी। तो ये थे इंग्रेडिएंट्स हमारी भाजी बनाने के लिए। तो बस अब देर किस बात की, शुरू करते हैं बनानी हमारी पाव भाजी की भाजी। तो खाओ दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम, गैस जलाई जाए। उस पर रख दिया हमने एक प्रेशर कुकर, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, करीबन एक से लेकर डेढ़ कप, अगर जरूरत पड़ी तो और डाल देंगे। उसमें डालेंगे हम अपनी ये सब्जियां, गोभी, गाजर और टमाटर। ओके, ये गई इसके अंदर। अब कुछ नहीं, अब गैस को कर देंगे हम सिम पर थोड़ी देर में, और ये प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे इस पर और कर देंगे बंद। अब हम इसे दो या मैक्सिमम तीन सीटियां देंगे ताकि ये सब्जियां थोड़ी थोड़ी सी नरम हो जाए, ज्यादा पल्प भी नहीं करनी, बाद में इनका पल्प बनाएंगे अच्छे से कढ़ाई में। तो बस अभी दो सीटियों का इंतजार करते हैं। हाँ दोस्तों, हमारी सब्जियां अभी प्रेशर कुकर में है। और स्ट्रीट फूड के बारे में आपसे क्या कहें, स्ट्रीट फूड आजकल हमारे देश में, हमारे शहरों में इतना पॉपुलर हो गया है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी इनके लिए एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट किया गया है, यानी कि उन रेस्टोरेंट में भी लिखा जाता है स्ट्रीट फूड अवेलेबल हियर, जो उसमें होता है भेलपुरी, पानीपुरी, चाट वगैरह वगैरह। लेकिन जो मजा इस खाने को सड़क पर गर्मा गर्म, वो भैया जी जब अपने हाथों से निकालकर प्लेट में डालते हैं, उसके ऊपर चटनियां डालते हैं, गर्मा गर्म चीजें डालते हैं अपने हाथ से, ऐसे ऐसे करके प्याज आलू वगैरह डालते हैं और फिर हमारे सामने लाते हैं ना, तब आता है असली मजा स्ट्रीट फूड खाने का, है कि नहीं? रेस्टोरेंट्स में कभी कभी खा लेना चाहिए। हां जी खाओ दोस्तों, दो तीन सीटियां बज चुकी हैं, प्रेशर निकल चुका है। अब खोलते हैं अपना प्रेशर का कुकर। ये देखिए दोस्तों, ये सब्जियां अच्छे से नरम हो गई हैं। हमने टमाटर इसी में डाल दिए थे, लेकिन आप चाहें तो बारीक बारीक टमाटर काटकर प्याज के साथ भी भून सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। और इस पाव भाजी को बनाने के तरीके अनेक हैं, तो हम अपने स्टाइल से बना रहे हैं। तो सब्जियां हो गई हैं नरम, अभी हम इसे निकाल देंगे, इसका पानी निकाल देंगे, अच्छे से स्ट्रेन करके लाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये सब्जियां हमने कर ली अच्छे से स्ट्रेन, राइट। अब बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर हुआ आउट, कढ़ाई हुई इन। अब कढ़ाई में सबसे पहले जाएगा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। अरे भाई, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें जाएगा ये हमारा मक्खन, और मक्खन में कंजूसी नहीं, पूरी की पूरी टिकिया डाल दी है हमने। अब बस ये मक्खन अच्छे से पिघल जाए। अब ये तेल इसलिए थोड़ा सा डाला है ताकि ये मक्खन जले नहीं, नहीं तो अगर खाली मक्खन डाल देंगे ना तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है और थोड़ा सा जल सा जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा तेल भी मिक्स कर दिया है। लेकिन मुख्य किरदार मक्खन भरपूर अपने मजे देगा। हाँ दोस्तों, मक्खन हो गया है गरम, अच्छी तरह गया है पिघल। अब डालेंगे इसमें हमारा ये बारीक कटा हुआ प्याज। ये प्याज गया, अब इस प्याज को हम इसमें हल्का हल्का फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, खाली इसे सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। चलिए करते रहते हैं। तो दोस्तों, प्याज हमारा हो गया है अच्छे से नरम और ट्रांसलूसेंट। अब हम डाल देंगे इसमें हमारी लहसुन की पेस्ट। ये लहसुन की पेस्ट को हम फ्राई कर लेंगे, इसकी जो खुशबू है वो गायब होने तक। अब जैसे मैंने आपसे कहा ना दोस्तों, इस भाजी को बनाने के लिए बहुत तरीके हैं। अब कुछ लोग इसमें अदरक भी डाल देते हैं इसी स्टेज पर, हरी मिर्च भी डाल देते हैं, लेकिन हमें अदरक ना इस पाव भाजी की डिश में उसका फ्लेवर इतना पसंद नहीं है, इसलिए हमने उसे अवॉइड किया। और हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने साथी जब खाएंगे ना तो उनको मिर्ची लगती है, फिर बोलते हैं क्या बना दिया ये। अब डाल देंगे हम इसमें अपनी बॉईल की हुई सब्जियां, ठीक है, और हमारे उबले हुए आलू। अब दोस्तों, ये आया मेन स्टेज इस पाव भाजी को बनाने का, यानी कि पाव के साथ बनाने वाली खाने वाली भाजी को बनाने का, और वो ये है कि इसे हमें अच्छे से करना है मैश। इसके लिए लाते हैं हम अपना मैशर। आया भाई मैशर, और इसे बस ऐसे 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 करते करते मैश करते रहना है। अभी गैस थोड़ी कम कर देंगे ताकि सब्जियां जले नहीं, क्योंकि मैश करने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो दोस्तों, हमारा काम जारी है। अब दो सब्जियां रह गई इसमें डालने की, वो भी हम डाल देते हैं। एक तो है ये बारीक कटी हुई कैप्सिकम, इसे चाहिए तो आप पहले भी डाल सकते हैं जब आप प्याज को फ्राई कर रहे हो, लेकिन हमें क्या ना, इस कैप्सिकम का थोड़ा थोड़ा क्रंच जब मुंह में आता है ना, वो थोड़ा पसंद है इस भाजी में, तो हमने इस स्टेज पर डाली है। और साथ में ये इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाना भूल गया था, ये है बॉयल किए हुए मटर, ये भी गए इसके अंदर। गैस को कर देते हैं सिम, और भाजी को करते हैं मैश पे मैश। हाँ हाँ, आराम से धीरे धीरे करते जाएंगे इसे, जब तक ये अच्छा एक पेस्ट फॉर्म ना बन जाए ना इसका, तब तक अच्छे से मैश कीजिए। मेहनत का काम है लेकिन करने में भी मजा आता है, और बाद में जब इसे खाते हैं ना तब भी मजा आता है। हाँ दोस्तों, अब इस भाजी में लाते हैं स्वाद। स्वाद यानी कि नमक स्वाद अनुसार, और ये लाल मिर्च कश्मीरी डाल रहे हैं हम, इसमें कलर आएगा अच्छा सा। और ये पाव भाजी मसाला, कम ज्यादा जैसे भाजी की क्वांटिटी हो वैसे कर सकते हैं। अब इन चीजों को कर देंगे हम मिक्स अच्छे से, और मैशिंग के साथ साथ चलती रहेगी, आएगा भी अच्छा सा कलर और खुशबू इस मसाले की। तो खाओ दोस्तों, मैश करते करते भाजी हो गई है थोड़ी सी थिक। अब इसे करते हैं थोड़ा सा गीला, ये जो हमने लहसुन भिगो के रखा था ना पानी में, उसका पानी हम डाल देंगे इसके अंदर। हाँ, ये बहुत अच्छा गार्लिकी फ्लेवर लाएगा इस सब्जी के अंदर, और एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी भी दे देगा। इसको अच्छे से हिला लेंगे, और इसमें पानी में सब्जियां पकेंगी और 2-3 मिनट।
हाँ जी खाओ दोस्तों। तो भाजी ऑलमोस्ट रेडी है, मैश भी अच्छे से हो गई है, और अगर आपको ये थिक लग रही हो ना तो आप अपने हिसाब से थोड़ा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज है ना वो है इस भाजी की पाव के साथ प्लेटिंग, और इसके ऊपर क्या क्या डालकर खाने से इसका स्वाद चार गुना हो जाता है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए देखते रहिए, जाएगा नहीं, मेन काम बाकी है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, भाजी हो गई है रेडी, इसको गैस को कर देते हैं बंद, और जो इसका साथी है, भाजी का साथी, उसको करते हैं तैयार, जिसके बिना ये भाजी अधूरी है, वो है हमारा पाव। और पाव को क्या करना है, पैन में या तवे पे आपको सेकना है उसका असली मजा लेने के लिए। तो आप तवे पे डालिए थोड़ा सा मक्खन, तो ये आ गया हमारा मक्खन, पिघलने देंगे इसे अच्छी तरह। अब क्या करना है खाओ दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये पाव को आप बीच में से ऐसे काट लीजिए, ठीक है, खुल गया, इसे रख दीजिए इस तरह से मक्खन पर। लेकिन आजकल ना मुंबई में पाव थोड़े छोटे छोटे और पतले पतले आ रहे हैं, इसलिए हम ना इसे डायरेक्टली ऐसे मक्खन में रख देते हैं। तो दोनों तरीके हैं, दोनों आप देख लीजिए और जो तरीका आपको पसंद हो वो अपना लीजिए, लेकिन मक्खन वो भरपूर डालिए। अच्छे से मक्खन लग जाए ना चारों तरफ से, तब आएगा इस पाव का मजा, और अच्छे से ब्राउन हो जाए, थोड़े थोड़े क्रिस्प हो जाए। ये हो गए हमारे पाव भी रेडी, चलिए परोसते। तो चलिए खाओ दोस्तों, पाव भाजी की प्लेट करते हैं तैयार, गर्मा गर्म भाजी, नाइस एंड थिक, जैसी चाहिए वैसी बनाइए, पतली चाहिए तो पतली कर सकते हैं, गाढ़ी चाहिए तो गाढ़ी रख सकते हैं। इसके ऊपर डालेंगे हम ये मक्खन, फिर जाएगा इसके ऊपर ये कटा हुआ प्याज, अच्छा सा बारीक डालिए, जितना मर्जी आपको अच्छा लगता उतना डालिए, फिर डालिए इसके ऊपर ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। कोई आ गया लगता है, पाव भाजी बनी, खाने भी कोई आ गया, घंटियां बजने लगी हैं, स्वाद बाहर तक जा रहा लगता है। फिर हरा धनिया, सज गई हमारी भाजी। अब रख देंगे इसके साथ गर्मा गर्म ये पाव। ये हुई ना बात, नींबू का रस निचोड़े बिना मजा नहीं आएगा चटपटा, ये डाल दिया नींबू का रस। तो दोस्तों ये रही आपके लिए मुंबईया पाव भाजी, कैसी लग रही है ना? ये लीजिए आज पाव भाजी। जी हाँ खाओ दोस्तों, हमारे घर में ना पाव भाजी के बहुत फैन है, और ये सबसे बड़ी फैन है, पाव भाजी इन्हें इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो लीजिए जी, खाकर बताइए आज कैसी बनी है पाव भाजी, स्ट्रीट फूड स्टाइल, गर्म तो गर्मा गर्म तो मजा है। लग तो अच्छी रही है, पता नहीं स्वाद स्वाद मेरी बात है। मुझे तो अच्छी लगी है, ब्याह पे हो भाजी अच्छे से तू करो, सही है। तो पाव भाजी के फैन को पाव भाजी पसंद आ गई है, यानी कि मेहनतदार सफल हो गई है। तो आप भी अपनी रसोई में ट्राई कीजिए ये पाव भाजी, यानी भाजी पाव ले आए बाहर से अगर मिल जाते हैं तो, नहीं तो ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, मजा आता है। बता दीजिए तो कभी कभी भाकरी के साथ भी खा लेते हैं, जब हेल्थ का ज्यादा मूड होता है तो, तो भाकरी के साथ भी खा जाती है। तो पाव भाजी बनाइए, खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए, अगले ब्लॉग तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।